नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं पुनः अपने बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं उपस्थित हूं। और एक मेरा छोटा सा प्रयास है, मैं इस प्रयास में कितना सफल होऊंगा ये तो मेरे बच्चे ही बताएंगे। लेकिन मेरा जो लेट ब्लूमर्स, जो हमारे फेवरेट बच्चे हैं, उनके लिए मैं अपने अगले वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। तो हमारे जो सैम्पल पेपर का, ये जो 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे हैं उनके लिए सैम्पल पेपर के जो का जो अगला वीडियो है ये इससे है। क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान देखेंगे, मल्टीप्लायर इज डैश रिलेटेड टू एम पी सी। इस बार बहुत सारे क्वेश्चन जो है लगभग 20 क्वेश्चन ये एम सी क्यू क्वेश्चन आए, तो लगभग 10 क्वेश्चन जो है एम सी क्यू क्वेश्चन हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो चाहे एम सी क्यू के रूप में हो, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब 10 क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इसके लिए बहुत ही माइन्यूट माइक्रो स्टडी जरूरी होती है। तो ये अगला क्वेश्चन है कि मल्टीप्लायर इज डैश रिलेटेड टू एम पी सी। फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, थर्ड नॉट रिलेटेड और रेयरली। अब क्वेश्चन कहते हैं मल्टीप्लायर इज रिलेटेड टू एम पी सी, तब हमको ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। जब जैसे ही मेरे दिमाग में आया मल्टीप्लायर और दूसरे छोर पर आया एम पी सी, एक तरफ मल्टीप्लायर दूसरा है एम पी सी, तो पहली बात हमारे दिमाग, बच्चों के दिमाग में आनी चाहिए कि मल्टीप्लायर आखिर है क्या और फिर एम पी सी आखिर है क्या। तो किन्स की थ्योरी में मल्टीप्लायर का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मल्टीप्लायर को किन्स ने क्या कहा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद जो इनकम में जो चेंज होता है, तो ये इनकम और इन्वेस्टमेंट का एक रेशियो है, ठीक है। और वो कहते हैं शुरू से ही किन्स ने कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा जोर दिया, तो मार्जिनल प्रोपोर्शन टू कंज्यूम, मतलब इनकम बढ़ने पर जो चेंज होता है कंजम्पशन में, तो चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम का जो रेशियो वो एम पी सी है। तो दो चीज़ें तो हमारे दिमाग में आ गई। तो हमको अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना, हम इन दो वी आर सॉल्विंग द एम सी क्यू क्वेश्चन, बट थ्रू दिस मल्टीपल क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। जैसे हमने अभी मैंने बताया मल्टीप्लायर की डिफिनेशन हो गई इस क्वेश्चन के माध्यम से, एम पी सी की डिफिनेशन हो गई, एम पी सी का फॉर्मूला हो गया, एम पी सी इसके लिए डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई और मल्टीप्लायर इसके लिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। अब ये दो क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए ऐसे ही। अब हम आते हैं इस जो मूल क्वेश्चन है कि हाउ मल्टीप्लायर इज रिलेटेड विद एम पी सी। उसके लिए मैंने यहाँ पर दिखाया कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या, के इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, कि मतलब इसमें चेंज होने पर, इसमें किन्स हमेशा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जो गवर्नमेंट करती है। तो चूँकि ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि ये इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ता है इकोनॉमी को बचाने के लिए, रिसेशन से निकालने के लिए, क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। ये इनकम, इसको अगर हम डायग्राम से दिखाना चाहें तो ये ऐसे जो डायग्राम है ये फिक्स, मतलब ये इनकम के प्रॉफिट से इसका कोई संबंध नहीं है, इनकम का लेवल कुछ भी हो ये फिक्स है, मतलब ये गवर्नमेंट जनरली करती है ये। तो अगर इसमें इसने कहा कि अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें निश्चित रूप से इनकम में चेंज आएगा, वो मल्टीप्लायर के मल्टीप्लायर गुना होगा, मतलब जितना मल्टीप्लायर होगा, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर हाई होगी तो इसकी भी वैल्यू हाई होगी, इनकम की भी वैल्यू हाई होगी। खैर, तो मल्टीप्लायर जो है दो फार्मूले हम नज़र आते हैं इस लेसन में, पहला के इसके डेल्टा बाई डेल्टा आई। लेकिन क्वेश्चन एम पी सी से रिलेशन पूछता है, मल्टीप्लायर का एम पी सी से क्या रिलेशन है। देखिए, एम पी सी से मल्टीप्लायर का क्या रिलेशन है ये क्वेश्चन, तो हमारे ये फार्मूला हमको देखना है कि के और एम पी सी के बीच में क्या संबंध है। तो के इज इक्वल टू 1/1 - एम पी सी होता है। अब इसी से हम संबंध एक और हम जानते हैं कि 1 - एम पी सी, चूँकि हम जानते हैं कि देखिए इसको ऐसा कर लेते हैं कि एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1 होता है, ये हम जानते हैं। तो एम पी सी एम पी एस इज इक्वल टू 1 - एम पी सी होगा, ये भी हम समझते हैं। तो हमने क्या किया, 1/1 - एम पी सी ये फार्मूला है, तो एम 1 - एम पी सी की जगह हमने एम पी एस लिखा। तो ये हमारे दो रिलेशन और निकल गए। तो मल्टीप्लायर का एक रिलेशन ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। देखो, एक क्वेश्चन के साथ हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अब यहाँ ये और इसके रिलेशनशिप में देखिए, ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। हाँ, मतलब अगर के को हाई होना है तो एम पी सी की वैल्यू को कम होना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या है कि के को हाई होना है तो एम पी सी के वैल्यू को ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा कि ये क्या होगा, डायरेक्ट मतलब हायर द एम पी सी, हायर द, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, एम पी सी हायर द, एम पी सी हायर द वैल्यू ऑफ़ k
की मल्टीप्लायर, तो ये हमारा रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है। क्या हुआ डायरेक्टली मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी, मतलब ये ऑप्शन सही है। थैंक यू।